चना मसाला आपने बहुत बारी बनाया होगा, पर गारंटी है चना मसाला बनारसी स्टाइल में नहीं खाया होगा। आज हम बनाएंगे बनारस की फेमस चना मसाला की रेसिपी, जिसका टेस्ट लाजवाब होने वाला है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और कीर्ति के ट्विस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर ये मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज के कटे हुए लच्छेदार प्याज, और ये है 12-15 लहसुन की कलियां और 1 टमाटर। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज का हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको तड़का देने के लिए रख देंगे। ये मैंने लिया है 1 बड़ी कटोरी काला चना, इसको कल रात में ही मैंने भिगा दिया था। इतने चने से आप आराम से 3 से 4 लोगों के लिए नाश्ता बना सकते हैं। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और 1/2 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग। आप काले चने की रेसिपी बनाएं तो उसमें हींग जरूर डालें। अब हम कटे हुए प्याज भी इसमें डाल के इसको बढ़िया से भून लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्याज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, बस थोड़ा सा प्याज में कलर आ गया। अब हम इसमें चना डाल देंगे। चना और प्याज को हम साथ में ही भुनेंगे। चना डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल के हम इसे मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें डालेंगे टमाटर और लहसुन का पेस्ट, और इन्हें मसालों के साथ हम बढ़िया सा भुनेंगे। मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मसाले बहुत बढ़िया से भुन चुके हैं। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इन्हें ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर बाद मैंने इसे खोल कर देखा, ये बढ़िया से भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी साइज का आलू। आप देख रहे हैं, आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो आलू को बहुत ही बारीक काट के डालें, या फिर 1 बॉयल आलू आप मसल के डालें। इससे क्या होगा कि काले चने हैं जो बहुत ही मसालेदार बनते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी बढ़िया से भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी, और इसे ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये लीजिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मसाला चना है बहुत ही बढ़िया सा पक चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से ये चने टूट जा रहे हैं, मतलब कि ये बहुत बढ़िया पक चुके हैं बिना बॉयल किए। बनारसी स्टाइल में हमारा काला चना मसाला बनके तैयार हो गया। बनारसी टेस्ट और फ्लेवर के अगर आप भी दीवाने हैं तो आप इस तरह इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये मसाला चना की मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे क्लिक करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।